দুই দিনের রাজ্য সফরে এলেন বিজেপি কিষাণ মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি রাজকুমার চাহার। সোমবার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানায় দলের কিষাণ মোর্চার কর্মীরা। মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতির আগমনকে ঘিরে দলীয় কর্মীদের মধ্যে দেখা গেছে প্রবল উদ্দীপনা এবং উচ্ছ্বাস। কিষাণ মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি রাজকুমার চাহার জানান, গোমতী জেলায় রয়েছে দলীয় সভা, সেই জন্যই রাজ্যে আসা তার। সেই সঙ্গে রাজ্যের কৃষকদের সঙ্গেও কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। गोमती जिले में भारतीय जनता पार्टी की सभा है और उसी के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। आज सभा में मैं उपस्थित रहूंगा और यहाँ के गांव गरीब किसान की बात आने वाले समय में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, उसके सभी कार्यकर्ता, किसान मोर्चा, उसके सभी कार्यकर्ता जी जान से जुट गए। त्रिपुरा में सामने निर्वाचन है, विधानसभा निर्वाचन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है, हमारी सरकार यहाँ है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है और त्रिपुरा में भी पूरे सरकार बनाकर डबल इंजन की सरकार त्रिपुरा को भी आगे बढ़ाएंगे और देश को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी के अंतर्गत हम लोग काम करेंगे। किसान भाई लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे त्रिपुरा के किसान भाइयों के लिए? यही है कि मैं चाहता हूं कि किसान जो हमारा त्रिपुरा का है, चाहे देश का किसान है, वो परंपरागत जो खेती चली आ रही है उसको करने के साथ साथ कुछ नया खेती ऐसा करे जिससे उसकी आय को और बढ़ावा मिले। जैसे आजकल ऑयल की बहुत कमी है, इम्पोर्ट होता है बाहर से देश के लिए, तो सरसों का ऑयल है, पाम ऑयल है, इस तरह की खेती को हम बढ़ावा दें, उसके अंतर्गत काम करें जिससे किसान को उसकी आय बढ़े। आज सरसों का जो तेल है, उसका सरसों का भाव है, वो किसानों को सरकारी रेट 4650 होता है लेकिन बाजार में 7000-8000 तक वो भाव मिलता है किसान को। तो आज व्यापारी की तरह भी किसान भी ये देखें कि उसको किस चीज में फायदा होने वाला है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चे के हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर जन जागरण का भी काम करेंगे।